हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, सपने में शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो दोस्तों क्या फल आपको मिलता है? जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों सपने में शिवलिंग की पूजा करते हुए देखना। सपने में भगवान शिव को देखने से मन में खुशी का एहसास होता है, लेकिन कई सपने ऐसे भी होते हैं जिनके शुभ अशुभ संकेत माने गए हैं। दोस्तों, अगर आपको सपने में एक से ज्यादा शिवलिंग अथवा शिवलिंग का पूजन करते हुए दिखाई देते हो तो दोस्तों उस सपने का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सपन शास्त्र के अनुसार यदि सपने में शिवलिंग के दर्शन किए हो तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, सपने में शिवलिंग या शिव मंदिर दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि किसी रोग से आप परेशान है तो ये बीमारी शीघ्र ही ठीक होने वाली है। दोस्तों, सपने में शिवलिंग देखने या पूजन करने का अर्थ जीवन के अशुभ तत्वों को नाश होना तथा अच्छा समय आने और जीवन में चल रही पुरानी परेशानी से दूर होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अधूरी इच्छा पूरी होने तथा मनोकामना पूर्ण होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, सपने में शिवलिंग अचानक धन प्राप्ति तथा आर्थिक सुधार होने का संकेत है। यदि आप सब परिवार सपने में शिवलिंग की पूजा करते देख रहे हो तो यह बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। यह कार्य के प्रति आपके समर्पण, ईमानदारी, त्याग को दर्शाता है तथा कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानी को दूर करने, उन्नति, सुख समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आप अकेले ही सपने में शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो यह सपना शिवजी के विशेष कृपा प्राप्त तथा आपकी कोई इच्छा शीघ्र पूर्ण होने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको सपने में शिवलिंग या भगवान दिखाई देते हैं, जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ का दर्शन होता है तो सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें और भगवान का धन्यवाद देना ना भूले, क्योंकि दोस्तों धन्यवाद देने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।